डिग्गी बाजार इलाके में बने ऐतिहासिक डिग्गी तालाब का कई बार जीर्णोद्धार कराया गया, लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा तालाब में गंदगी डाले जाने का सिलसिला नहीं थम रहा। इन दिनों भीषण गर्मी और गंदगी के चलते तालाब में व्याप्त मछलियों के मरने का सिलसिला शुरू हो चुका है। क्षेत्रीय नागरिक मरी हुई मछलियों की बदबू से खासे परेशान है। क्षेत्रीय पार्षद भरत धोलखेड़िया को कई बार तालाब की सफाई कराने के लिए कहा गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। गौरतलब है कि रिहायशी बस्ती के बीच बने डिग्गी तालाब में कई बार खुदकुशी की घटनाएं भी घटित हो चुकी हैं। कि आज ये दुर्दशा हो रखी है, हमने प्रशासन को कई मर्तबा बोल चुके हैं कि यहाँ पे जो गंदगी का ढेर लगा हुआ है और जिसके कारण आज यहाँ पे जो जानवरों की मृत्यु हो रही है, मछलियाँ, कितनी मछलियाँ यहाँ पे मर चुकी है, हजारों मछलियाँ। इसके बावजूद हम 5 दिन से रोज संपर्क कर रहे हैं प्रशासन से, नगर निगम के अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं कि आप यहाँ पर आके सुध लो इसकी, ताकि कोई जानवर नहीं मरे, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। ये डिग्गी तालाब काफी ज्यादा मतलब गंदगी फैल रखी है, बहुत ज्यादा लोगों से अनुरोध है, मतलब काफी बोले हुए लोगों को, मतलब फिर भी कचरा इसी में फेंकते हैं। इससे ज्यादा बहुत ज्यादा मतलब एरिया में बदबू फैल रही है, इससे महामारी फैलने की भी आशंका है। और देखो पानी कितना ज्यादा सड़ रहा है, बहुत सारी मछलियां मर चुकी है। जो ये मछलियां देखो यहाँ काफी ज्यादा मरी हुई तादाद में, और स्वास्थ्य निरीक्षक और हेल्थ ऑफिसर को अभी कॉन्टेक्ट किया है, उन्होंने बोला जल्दी मतलब इस मतलब मामले में नाव भिजवा के या मतलब ट्यूब लगवा के दो आदमी को भिजवा के सफाई करवाते हैं। ये हमारा प्राचीन डिग्गी तालाब है, उसमें गौमुख भी है और पहले भी सफाई करा चुके हैं, और अभी पानी आया उसमें बहुत मछलियाँ मर गई है। पार्षद को कह चुके हैं और नगर निगम को भी कह चुके हैं, इसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इतनी महामारी फैल रही है पड़ोस के अंदर, और छोटे छोटे बच्चे हैं अंदर जाते हैं, और बहुत सारी गंदगी पड़ी है। क्या कारण है मछली मरने का? ये कचरे वगैरह जो भी है, प्रदूषण, गटर और नालियां पूरी खोल रखी है। बीमार लोगों को इलाज से स्वस्थ करने वाला संभाग का सबसे बड़ा जवाहरलाल नेहरू अस्पताल खुद लाइलाज बीमारी का शिकार है। आश्चर्य की बात तो यह है कि मरीजों का उपचार करने वाली महिला रेजिडेंट्स जिस रसोई घर का खाना खाते हैं, वह क्षेत्र खुद संक्रमण का शिकार है। चौंकी मत, यह नजारा ट्रेचिंग ग्राउंड का नहीं है बल्कि अस्पताल का पिछला हिस्सा है, जहां रेजिडेंट गर्ल्स हॉस्टल का रसोई घर बना हुआ है। इसी रसोई घर में रेजिडेंट्स डॉक्टर्स का नाश्ता और खाना बनता है। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि रसोई घर के पास टूटी हुई नाली ट्रेचिंग ग्राउंड के कचरे को चारों ओर फैला देती है। इस कचरे में अस्पताल का वह वेस्ट भी होता है जिसमें संक्रमित खून और दवाओं का कचरा जमा होता है। ऐसा नहीं कि पूरे मामले की जानकारी सफाई ठेकेदार को ना हो, लेकिन कोई भी इस कचरे को उठाने की जहमत नहीं उठाता। नतीजा, किसी बड़े संक्रमण का खतरा अस्पताल के उस हिस्से में मंडरा रहा है जिसे जीवन के लिए आवश्यक समझा जाता है। ये अजमेर जयलन हॉस्पिटल है। मोदी जी हमारे बोलते हैं कि एकदम साफ सफाई रखना चाहिए। इधर आप देख रहे होंगे कि कितना गंदी है। गंदगी के वजह से हॉस्पिटल वाले आधे से बीमार तो ऐसे ही पड़ जाते हैं। इसके बावजूद भी ये हॉस्पिटल वाले क्लीन नहीं करवा रहे। अजमेर के सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जेएलएन हॉस्पिटल, ये अभी क्लीन नहीं हो रहा है। क्या होना क्या चाहिए? ये एकदम साफ सफाई होना चाहिए। और बोलते हैं कि इधर हॉस्पिटल के अंदर तो रेडी होने के लिए आते हैं, इसकी वजह से ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं।